हॉट वेदर कंडीशन देखा देबो गत काली राज्य तो रे मेघ मुक्त आकाश सुखिला पाग जारी शुखिल पागारी या सहित आभ्यंतरण ओडिसा रे वायुमंडल रे शुष्कता वृद्धिपाइवे ताति बढ़ी अंश तापम्रा 35 डिग्री रु 38 डिग्री, डिग्री रे पहुंची 3 दिन पर्यंत राज्य रे ताती आहुरी वृद्धि बोली पावी केंद्र सतर्क कराई आभ्यंतरण ओडिसा बा पश्चिम ओडिसा ओडे स्वाभाविक ठीक तीन रू डिग्री पर्यंत तापमा वृद्धि हेबा सबडा आसता काली राज्य रे एक पश्चिमा झड़

बर्तमान राज्यले राज्य को प्रवेश गर्ुवा प्रचुर परिमाण र सामुद्रिक पवन प्रभाव तातिक वृद्धि हे कथा तामाउना पिछले 24 घंटे में जो वेदर है वो ड्राई वेदर रहा है उड़ीसा के ऊपर और उसके अलावा जो अभी आज प्रेजेंट जो सिचुएशन है एक वेस्टर्न डिस्ट्रम पीछे से आ रही है जिसकी वजह से हमारे जो 25 तारीख यानी कल जो है बारगढ़ देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केवंझर मयूरभंज बालासोर इन सब डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है उसके बाद छब्बीस तारीख को जैसे जैसे जैस सिस्टम आगे बढ़ेगा तो डे थ्री डे थ्री यानी छब्बीस तारीख को सुंदरगढ़ केवंझर मयूरभंज बालासोर आपका भद्रक जाजपुर इन सब डिस्ट्रिक्ट में हल्की वर्षा होने की संभावना है उसके अलावा सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस को जो ड्राई वेदर रहने की संभावना है फिर से तीस तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है जिसकी प्रभाव की वजह से सुंदरगढ़ झारसीगढ़ मयूरभंज केवंजर इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो है बारिश जो हल्की हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है इसके अभी जो आगे क्योंकि दो दो दिन तक तो थोड़ा नॉर्थ उड़ीसा में जो है क्लाउड्स रहेंगे और बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर की तो ओवरऑल उड़ीसा में जो है अगले तीन दिन तक तीन से पाँच डिग्री सेल्सियस जो तापमान बढ़ने की है कुछ कुछ जगह पे 39, 40 डिग्री सेल्सियस भी टच करेगा